السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. یہ سورہ روم کا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، اس سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے، جو انہوں نے کیا شاید وہ رجوع کریں. کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان کا جو پہلے تھا انجام کیسا ہوا. ان میں سے اکثر مشرک تھے، سو اپنی توجہ کو قائم کر دینے والے دین کے لیے سیدھا کر، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں. اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. جو کفر کرتا ہے تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی
जानों के लिए सामान करते हैं, ताकि वो उन्हें जो ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं अपने फजल से बदला दे। वो काफिरों को पसंद नहीं करता। और उसके निशानों से है कि वो हवाओं को खुशखबरी देते हुए भेजता है, और ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत चखाए, और ताकि कश्तियां इसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम इसके फजल को तलब करो, और ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुझसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, बस वो उनके पास खुली दलायल लेकर आए, सो हमने इनको सजा दी जो मुजरिम हुए, और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम है। अल्लाह वो है जो हवाओं को भेजता है, सो वो बादल को उठाती है, फिर वो उसे जिस तरह चाहता है आसमान में फैलाता है, और उसे तहबतह कर देता है। फिर तू मीना को देखता है कि उसके अंदर से निकलता है, सो जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे पहुंचाता है, तो वो खुश होते हैं। गो वो इससे पहले जो इन पर उतारा जाए, इससे पहले वो बिल्कुल मायूस थे, सो अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ देख किस तरह जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, और वो हर चीज पर खादिर है। और अगर हम हवा भेजें फिर वो उसे जर्द देखें, तो उसके बाद भी कुफरी करते रहेंगे। बस तू मुर्दों को नहीं सुना सकता, और ना बहरों को आवाज सुना सकता है जब वो पीठ फेर कर वापिस हो जाएं, और ना तू अंधों को उनकी गुमराही से रोक कर हिदायत दे सकता है। तू सिर्फ उन्हीं को सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, सो वो फरमा बरदार हैं। तो ये तर्जुमा इस रुको का इस तरह बयान किया गया है। इब्तिदा में जो आयत करीमा में आपके सामने तिलावत किया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ज़हर अल फसादु फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, माने खुश्की और तरी में फसाद बरपा हो गया। आप देखते हैं दुनिया का हाल, हर तरफ फसाद बरपा है, फितना और फसाद। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ये खुले अल्फाज में कह रहा है, बिमा कसबत अयदिन नास, ये हाथों की कमाई है, ये अपने हाथों से इन्होंने किया। हम देखते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर जमाने में अंबिया कराम को मबूस करता रहा, और उनकी तालीमात से लोगों को बताया कि तुम जमीन पर फसाद मत पैदा करो, और लोगों ने अपने अपने नबी जितने अंबिया कराम हैं, नहाक उन्होंने नबियों को झुठलाया, उनको कत्ल किया, गोया के उनके काम को रोका, उनको सताया, उनको तकलीफें दी, ये फसाद मचाते रहे। ये इब्तिदा से ही हाल है कि जो अल्लाह की तरफ से जो वजूद मबूस होता है, जब वो तालीमात पेश करता है बंदों की नजात के लिए, तो उसके मुनकिर होकर जमीन पर फसाद करते हैं, फसाद मचाते हैं, नाहक तकलीफ देते हैं। इसकी आवाज़ अल्लाह ताला उन पर अजाब नाजिल करता है। और जो भी मजहब मशरिक में आता है, उसका जो है बिगाड़ मगरिब में हुआ, जब वो मगरिब में जाता है। और हम देखते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने जो तालीमात लाई थी खुदा की, और वो तालीमात जब मगरिब में गई, तो वो
वहां पर एक खुदा के बजाय तीन खुदा बताना शुरू कर दिए, तो वहां पर हकीकी तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम की खत्म हो गई और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ईसा का नाम लेकर लोग जो है उनके नाम पर दुनिया में फसाद मचाते रहे। ये हकीकत में तो ये हमको समझने की जरूरत है कि क्या बात है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अकराम को मशरिक में पैदा किया और मगरिब वाले उनके मोहताज रहे नजात के लिए। जैसा कि आयत करीमा तिलावत किया हूं, तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में और भी जिक्र किया है जो फसाद मचाने वाली कौमें हैं, दो मशहूर कौमें, वो याजूज और माजूज का जिक्र किया है। तो ज़ुल्क़र्नैन से भी कहा गया कि ये जो याजूज और माजूज है ये फसाद फैलाने वाले हैं जमीन पर मुल्क में, तो इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए उन्होंने कहा था। तो ये खुश्की और तरी में जो फसाद बरपा है अल्लाह कह रहा है, ये इस वजह से है, ये कौमे मगरबी दुनिया ये मईशत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, अपनी मईशत को संभालने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए। तिजारत के मंडियां मशरिक में कायम करना इनका नसबुल ऐन है। ये तिजारत के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अंग्रेज ब्रिटिश जो मशरिक में दाखिल हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दाखिल हुआ और सारा फसाद मचा दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर कर कौमों को लड़ा दिया और खुद हुकूमत की, और फिर एक अल्लाह वाले की तसरुफ से, एक अल्लाह वाले के तसरुफ से वापस फिर अपने मुकाम को चला गया। तो जबकि अंग्रेज भी कर लेता है हमरंग अपना, क्यों ना आएगा अंग्रेज वो अल्लाह वाला। तो ये दुनिया में जब हाल इस तरह फसाद का मचता है, तो अल्लाह ताला इस फसाद को खत्म करने के लिए कोई ना कोई रूहानी वजूद को मजबूत कर वो अकीदु कैदा का नजारा दुनिया को दिखाता है कि जो है अपनी दुनियाई गर्ज के खातिर ये डाकू, जो मुहज़्ज़िब डाकू जो कहलाते हैं, बड़े हुकूमतों पे फायज होकर इंसानों का कत्ल खून करते हैं, गारतगिरी करते हैं, दुनिया में एक फसाद और धूम मचा देते हैं। तो यही हाल कुरान यहाँ फरमा रहा है कि इनका मकसद यहाँ पर ये खुश्की और तरी क्या है, तो खुश्की और तरी में फसाद बरपा किस तरह है। हम देखते हैं कि आज के जमाने में जो सुपर पावर ताकतें हैं, खुश्की का एक डाकू है, तरी का एक डाकू है। जो रशिया है वो खुश्की का डाकू है और जो अमेरिका है वो तरी का डाकू है। तो ये याजूज और माजूज है हकीकत में, जिसको कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो है फसाद फैलाने वाले हैं जमीन पर। कुरान में इसका जिक्र आया है। तो रशिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, अगर हम इधर चल जाएंगे अमेरिका की तरफ वो समंदरी इलाका है। तो ये अपनी दुनियाई गर्ज के खातिर अपनी जो है तिजारत के मंडियां
मशरिक में कायम करने के खातिर एक दूसरे से दरिंदों की तरह ये जो है लड़ पड़ते हैं। कुरान मजीद की पेशंगोई है कि जब अल्लाह का वादे का वक्त आएगा तो याजूज और माजूज आपस में टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। आज उसी तरफ दुनिया रुख की हुई है और यह हाल होगा कि अल्लाह जो है वो अकीदु कैदा का मंजर दुनिया को दिखाएगा। ये दुनिया में जो है फसाद मचा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए कि इस घुमंड में चूर चूर है, वो नशे में है, उनको समझ नहीं आ रहा। तो यही जो है लोग इस्लाम के फैलने को रोकना चाहते हैं, इस्लाम के हकीकी पैगाम का इनकार किए हुए हैं, क्योंकि अमन और शांति और पीस दीन इस्लाम में है और इस्लाम इस फसाद से बचाना चाहता है इंसानों को। और यही काम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही कोई ना कोई वजूद खड़ा होता है, किसी और कौम से नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही रूहानी वजूद खड़ा होता है और दुनिया से फसाद को मिटाता है। इस जमाने में कुरान और हदीस की पेशंगोइयों के मुताबिक और हिंदुस्तान के बल्कि कई औलिया अल्लाह के पेशंगोइयों के मुताबिक एक वजूद मुबारक हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़ा हो गया। वो वजूद मुकद्दस तकद्दस माँ पर सैयदुस्सादात अल हसनी वल हुसैनी नजीबुत तरफैन हजरत मौलाना सैयद सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला अल मारूफ सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहेब क़िबला आलम सदरुल अजीज है, आपके ही वजूद से दुनिया में अमन कायम होने वाला है, क्योंकि आपने जो उसवे हसना इख्तियार किया वह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात में मुकम्मल पना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आम कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को दुनिया में बयान किया और उस तरफ लोगों को बुलाया है, दायन इल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। और उस तरफ लोग अगर आ जाएंगे तो दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ हम देखते हैं लोग इस तरफ रुख नहीं किए हुए हैं, वो इस फितने में फंस गए। दुनिया की मोहब्बत को बिठा लिया अपने सीनों में और उनके तर्ज को इख्तियार किया है। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। तो यूरोप की गुलामी इख्तियार किया, उसके जो है दुनियाई वजाहत को कबूल कर लिया बल्कि आखिरत को भूल चुका है, आखिरत को भूल चुका है। तो आखिरत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है, लेकिन अगर मुसलमान उस पर कायम रहा तो वो कामयाब हो सकता है। जो जिसकी पैरवी करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा क़यामत में। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो कुरान मजीद की तरफ रुख करें। एक रूहानी वजूद कुरान के असरार और रमूज पेश करता है और अमल में कुरान पर गामजन होता है और उसी तरफ लोगों को बुलाता है। अगर इससे मुंह मोड़ लिए तो फिर वो खसारे में, घाटे में, नुकसान में है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह असर में फरमा रहा है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसम है जमाने की इंसान घाटे में, खसारे में, नुकसान में है। तो ये नुकसान उठा रहा है, क्यों? क्योंकि वो ईमान लाने के बाद अमल सालेह कर रहा नहीं। जब मुसलमान जब ईमान लाता है उस पर जरूरी है कि वो अमल सालेह करे, और ईमान बाकी नहीं रहा, अपना ईमान को जो है दुनिया के गर्ज के लिए बेच दिया है।
तो एक अल्लाह वाला तुम्हारे अंदर ईमान को मजबूत करने के लिए आता है, वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से खड़ा होता है। यही वो जमाना है कि हजरत क़िबले आलम का वजूद तुमको हकीकी और दायमी जिंदगी बख्शने के लिए आया है। तो ये हम देख रहे हैं कि फसाद मचाने वाले अपने फसाद मचा रहे हैं और दुनिया में हालात इतने खतरनाक हो रहे हैं, जब अल्लाह ताला उनके किए हुए पर उनको सजा देता है तो हाय हाय करने लगते हैं। और ये खुदाई दावेदार है, जब ये बड़े बन के बैठे हैं, ना खुदा से इल्हाम है, ना खुदा से ताल्लुकात है, ना इन पर जो हम कलाम है खुदा से, ये बड़े बनकर बैठे हुए और हुक्म चला रहे हैं, तो दूसरे मानों में ये खुदाई दावेदार है। तो ये अल्लाह ताला इनको खत्म कर देगा और इनका खात्मा करेगा। हमको कुरान में उसके जो है दलाल मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दीन इस्लाम आया है, ये हकीकी मानों में इंसान को कामयाबी दिलाने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुशकी और तरी में फसाद हो गया, इससे जो लोगों के हाथों ने कमाया, बड़े बड़े एटम बम, बड़े बड़े जो है न्यूक्लियर बम इन्होंने तैयार किए हैं, आखिर क्या करना चाह रहे हैं? इंसानियत का खलाकुमा करना चाह रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ अपनी दुनियाई गर्ज के लिए, घुमंड के लिए। तो ये फसाद का दूसरे माने अंधेरा है। इसका जो है फसाद कब पैदा होता है? जब रोशनी ना हो, अंधेरा हो, तो वहां पर फसाद मच जाता है, टकराव। टकराव का नाम है फसाद। तो अंधेरे में इंसान एक दूसरे से टकरा जाता है। जब ये हाल ये जो है अंधे हो चुके हैं, खुदा से गाफिल हो चुके हैं, अपने असबियत के घुमंड में इतने चूर हो गए और इख्तदार के हवस में, दुनियावी वजाहत की हवस में ये इतने चूर हो गए हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा सिवाय फसाद के, इसलिए दरिंदों की तरह ये जो है आपस में टकरा रहे हैं। दुनिया का हाल, अब मौजूदा जो हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी हुकूमतें जो खुदाए दावेदार हैं आज परेशान हाल है। वो जो अल्लाह ने जो अजाब दिया है इनको, ये जो अकीदु कैदा के मिजदाक, ये से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, इससे बचना चाह रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। तो बड़े बड़े हुक्मरान जो घुमंड करते थे आज हैरान और परेशान है। तो इस तरह अल्लाह ताला इनको अमन की तरफ बुला रहा है लेकिन ये उतना ही अमन से दूर भाग रहे हैं। ये लोग अमन अपनी जो है कुव्वत से हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन अमन ईमान से हासिल होता है। तो दीन इस्लाम अमन का जामिन है, इसी से अमन कायम हो सकता है। बड़ी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है सारे दुनिया इंसानियत को, बड़े बड़े हुक्मरानों को गौर करने की जरूरत है कि जो आफाकी पैगाम दीन इस्लाम का वो क्या बता रहा है, उस पर गौर करने की जरूरत है इनको। अगर ये समझ जाएंगे, क्योंकि दीन इस्लाम जामियत वाला दीन है, हर वो नबी और पेशवा की ताजीम करता है, हर आसमानी किताब की इज्जत करता है, ये इसी में अमन कायम हो सकता है, किसी पेशवा के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे अंबिया को मानता है। और जो मुसलमान जो होता है उस पर जरूरी है कि वो हर नबी पर ईमान लाए, हर वो किताब
जो अंबिया कराम को दी गई उस पर ईमान लाए। तो इतना खुले अंदाज में इस्लाम का पैगाम है सारे इंसानों को मिलाने वाला। तो ये इसी से मुंह मोड़ रहे हैं तो फिर अमन किस तरह हासिल हो सकता है। तो ये टकराव अंधेरे की वजह से हो रहा है और आप देखते जाइए दुनिया में क्या हालात होंगे, तो ये इसी वजह से होंगे क्योंकि उन्होंने मोहसिन को अपने भूल गया है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोहसिन इंसानियत बनकर तशरीफ लाए, जिन्होंने एहसान किया है, आपस के तमाम झगड़ों को मिटाया। देखिए अरब में क्या हाल था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े जंगजू जो आपस में कई सदियों से लड़ते थे उनको भी भाई भाई बना दिया, मोमिनीन को भाई भाई बना दिया और उनको जो है कुरान पर आमिल किया, कुरान के आमिल बनाया और अल्लाह से ताल्लुक पैदा कराया और अरब में अमन कायम हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का इरादा इस बार हिंदुस्तान में अमन कायम करने का है, तो हिंदुस्तान में भी अमन कायम होगा। और ये हिंदुस्तान ये बड़ी मजहबी मुल्क है और यहाँ पर फितने फसाद सब ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत क़िबला आलम ने इस तरह यूँ फरमाया, हिंद को रब ने बनाया है घराना अपना, दहरियत जम नहीं सकती है दवामी इस पर, फितने मिट जाएंगे और शांति हर जा होगी, बच ही जाएगा धर्मराज का डंका घर घर। तो ये हकीकत में अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान को पसंद फरमाया है। तो यहाँ पर अमन कायम होगा और सारी दुनिया में भी अमन कायम होगा और उस तरफ अल्लाह लेकर आएगा और जो मुफसिद लोग हैं वो शिकस्त खाएंगे। तो यहाँ आगे अल्लाह ये फरमा रहा है, ये जो मजा चखाया अल्लाह ताला ने ये इसलिए कि वो रुजू करें, अपने आप को जो है अल्लाह की तरफ मोड़ें। तो इनको अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि इंसान अपने हाथों से अपने ऊपर जुल्म कर लेता है अपने हाथों की कमाई से। और अल्लाह जो है जालिम को जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसकी और तरी में फसाद जाहिर हो गया इससे जो लोगों के हाथों ने कमाया ताकि उन्हें इसका कुछ मजा चखा है, जो उन्होंने किया शायद वो रुजू करें। तो ये उनकी अपने हाथों की कमाई है। फिर आगे अल्लाह ताला ये फरमा रहा है ये फसाद मचाने वालों से मुखातिब होकर के कुल सिरु फिल अर्ज़ी फंजुरु कैफा काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लु काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, के जमीन में चलो फिरो सैर करो फिर देखो कि उनका जो पहले थे अंजाम कैसा हुआ, इनमें से अक्सर मुशरिक थे। तो मुशरिक से मुराद सिर्फ बुतों की परस्तिश ही नहीं बल्कि आज जो बड़े बड़े हुक्मरान बने हुए हैं खुदाई दावेदार के मिज़दाक, ये भी जो है लोग जब उनकी पैरवी करते हैं तो ये भी मुशरिक हो जाते हैं क्योंकि खुदा को छोड़कर दूसरों को उन्होंने पकड़ा है। और जो इससे मुंह मोड़ते हैं तो उन जरूर नुकसान उठाएंगे। तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला खुले अल्फाज में फरमा रहा है किस तरह हाल हुआ पहले वालों का, तुमसे पहले जो गुजर गए आद और समूद, बहुत सारे कौमें दुनिया में आए, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, ये सारे जो है वाक़यात, फिर मूसा की कौम का हाल क्या हुआ, फिरौन का हाल क्या हुआ। तो ये लोगों ने जब
जुल्म किया, फसाद मचाया, तो अल्लाह ताला ने उनका हाल ऐसा किया कि वो उनका खात्मा हो चुका। तो तुमको भी ये बता रहा है कि देखो कैसा हाल हमने किया तुमसे पहले के लोगों का। जब अंबिया अकराम से इन्होंने मुंह मोड़ा, उनकी तालीमात को छोड़ दिया और फसाद मचाते रह गए, फिर उनका हाल खत्म हो गया और उनमें से अक्सर मुशरिक थे। तो ये शिर्क जो है जुल्म अजीम है, ये जो है बहुत बड़ा जुल्म है जो शिर्क है। तो इससे बचने की जरूरत है, एक अल्लाह वाला शिर्क से बचाने के लिए आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो मुसलमानों को शिर्क से बचाया है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहीउल बदलान बनकर तशरीफ लाए, आपने मुकम्मल तौर पर शिर्क का खात्मा किया, फिर मुसलमानों में कभी बुतपरस्ती आ नहीं सकती। फिर आगे अल्लाह ये फरमा रहा है, फ़ाकिम वजहका लिद्दीन अल-क़य्यिम मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाही यौमाइज़िन यस्सद्दऊन। सो अपनी तवज्जो को कायम कर देने वाले दीन के लिए सीधा कर उससे पहले कि वो दिन आए जिसके लिए अल्लाह की तरफ से टलना नहीं, इस दिन वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ वो दिन की तरफ इंतजार अल्लाह कर रहा है, डरा रहा है कि वो दिन आने से पहले तुम जो है अपने आप को दुरुस्त कर लो और दीन पर कायम रहो, सीधी राह पर कायम रहिए। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया, कुरान मजीद की जो तालीमात है उसके जो है हासिल करो उसको और उस पर कायम रहो। फिर वक्त जब ख़त्म हो जाएगा, जब वो दीन आ जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला उसको टालेगा नहीं और शदीद गिरफ्त में ले लेगा और सब लोग वहाँ अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ ये अमल अल्लाह बता रहा है खुले अल्फाज में आगे, मन कफरा फालाही कुफरू, तो जो अमल करेगा उसके लिए उसका अजर होगा। तो यहाँ पर क्या फरमा रहा है, जो कुफ्र करता है तो उसका वबाल कुफ्र उसी पर है, कुफ्र करने वाले पर उसी पर कुफ्र का वबाल होगा, उसी पर कुफ्र होगा। क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। आगे अल्लाह फरमा रहा, वमन आमिला सालिहन फली अनफुसिहिम यमहदून, और जो कोई नेक अमल करता है तो वो अपनी ही जानों के लिए सामान करते हैं। तो नेक अमल खुद अपने लिए कर रहा है, यानी अल्लाह का कोई फायदा होता है ना नुकसान। काफिर कुफ्र करते हैं, अंबिया की तालीमात को नहीं मानकर वो अपना नुकसान खुद उठाते हैं अपने ऊपर, अपने आप पर खुद जुल्म करते हैं। और मोमिन लोग जो है जो नेक अमल करते हैं वो फायदा उन्हीं को मिलता है। कुफ्र करने से अल्लाह का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है और नेक अमल करने से अल्लाह का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इंसान अपने फायदे के लिए या अपने नुकसान के लिए अमल करता है दुनिया में, खुद का फायदा है उसी में खुद का ही नुकसान है अगर वो कुफ्र किया। तो ये बात यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है, लियज़ियल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात मिन फज़ली इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन। तो यहाँ ताकि वो उन्हें जो ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं अपने फजल से बदला दे, वो काफिरों को पसंद नहीं करता। तो ऊपर जो नेक अमल और कुफ्र दो को अल्लाह बताकर कह रहा है कि ये इसीलिए है कि ताकि जो बेहतरीन अमल करता है, जो नेक अमल करता है, अल्लाह ताला उन पर अपना फजल करे, बदला दे उनको, उनका अजर दे जो उन्होंने किया है। तो अमल साले तो ये है, हकीकत में अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में रखा है
वो इस्लाम के पैगाम को दुनिया में आम करना है, ये अमल साले। तो ये मामूर मिनल्ला ने अमल साले कर कर उस तरफ लोगों को बुलाया है, उस अमल साले की तरफ। और जो ये अमल साले किए, यानी जो आसमानी पैगाम है कुरान मजीद का, जो सारे इंसानों को मिलाने वाला है, जो अमन कायम करने वाला है, वो दीन इस्लाम का पैगाम वो सबको सुनाया है, तो ये अमले साले है। और जो इस पर अमल करता है वो कामयाब होता है, तो यही अल्लाह का फजल है। और उसके निशानों में से है कि वो हवाओं को खुशखबरी देते हुए भेजता है। ये अल्लाह के जो है रूहानी वजूदे हैं, ये अल्लाह ताला अपने जो है रूहानी तसरुफ से दुनिया में जब कभी ज़रूरत पड़ती है फसाद को मिटाने के लिए, वो सहाबा कराम के रूहानी ताकतों को दुनिया में लाकर दुनिया में अमन कायम करता है। बहरहाल मैं इतना कहते हुए अपने दर्स को मुकम्मल करना चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।